चलो इस वीडियो में कंपैरिजन करने वाला दो मोस्ट पॉपुलर वायर्ड ईयरफोन, एक जेब्रोनिक कंपनी की ओर से आने वाला जेब्रोनिक जेब ब्रो वायर्ड ईयरफोन, दूसरा जेबीएल कंपनी की ओर से आने वाला C50HI वायर्ड ईयरफोन। कंपैरिजन में हम देखेंगे किसके अंदर किस टाइप की साउंड क्वालिटी देखने को मिल जाता है, माइक्रोफोन की क्वालिटी किस टाइप की, ऑफिस मीटिंग के लिए फिर कॉल के लिए परफेक्ट है भी कि नहीं, नॉइस कैंसिलेशन कितना देखने को मिलता है, बैकग्राउंड का नॉइस कितना आएगा, फैन वगैरह बैकग्राउंड में चालू है वो नॉइस कैप्चर करता है भी कि नहीं, या फिर वो सारा नॉइस कैंसिलेशन हो जाएगा, दोनों का डिटेल में कंपेयर करेंगे ऑडियो को रिकॉर्ड करके, वायर की लेंथ कितनी देखने को मिलती है, ब्रेडेड वायर दिया गया है भी कि नहीं, और ईयरबड की क्वालिटी किस टाइप की, वो ईयर में कौन सा वाला कंफर्टेबल तरीके से बैठेगा, वो सारी चीज़ें। तो आप भी सोचो कि अच्छा सा वायर्ड ईयरफोन बाय करने के लिए, आपका बजट अराउंड 100 रुपीज़ के करीब है, तो जेब्रोनिक वाला मैंने बाय किया था 129 रुपीज़ का अमेजन पर, डिफरेंट डिफरेंट सेलर है सी में कोई 200-300 का सेल करा, जो बेस्ट सेलर रहेगा उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जब मैंने परचेस किया ऑफर भी चालू था। डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट लिंक पर आप क्लिक करो तो एक PDF डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड पे क्लिक करके PDF को ओपन कर लेना है, तो इसके अंदर बेस्ट सेलर और हैवी डिस्काउंट के प्रोडक्ट लिंक रहेगी सारी अमेजोन के, तो लिंक पे क्लिक करके आपको ओपन कर लेना है, तो अमेजोन ऐप में बेस्ट सेलर प्रोडक्ट आपको विजिबल हो जाएगा। वही JBL C50HI वाला बाय किया था 359 रुपीज़ का अमेजोन पे, इसके भी डिफरेंट डिफरेंट सेलर है सी में कोई 500-600 का सेल करा, जो बेस्ट सेलर रहेगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बॉक्स कंटेंट की बात करें तो JBL वाले के साथ में आपको यूजर मैनुअल इंस्ट्रक्शन मैनुअल देखने को मिल जाता है, साथ में ईयर टिप्स के कुछ पैर भी आएंगे, एक पैर लगा हुआ, दो पैर साथ में आते हैं, स्मॉल मीडियम और लार्ज साइज, और हमारा मेन आता है वायर्ड ईयरफोन। वही जेब्रोनिक वाले बॉक्स कंटेंट की बात करें तो साथ में एक पैर आपको ईयर टिप्स आएंगे, एक पैर हमारा लगा हुआ है और वायर्ड ईयरफोन जो कि बॉक्स कंटेंट में देखने को मिल जाएगा, इस प्लास्टिक में रैप होकर आएगा। अब साइड बाय साइड में डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी शो कर देता हूं, तो JBL वाले के अंदर कुछ इस टाइप का 90 डिग्री आपको 3.5 जैक देखने को मिलेगा, इसके अंदर डुअल वायर आया हुआ है, ट्रेडिशनल वायर डिजाइन बनाया हुआ है। वही जेब्रोनिक वाले के अंदर कुछ इस टाइप का 3.5 जैक दिया गया, इधर आपको सिंगल वायर देखने को मिलता है, वायर की क्वालिटी दोनों के अंदर आपको अच्छी देखने को मिल जाती है। वही माइक्रोफोन की बात करें तो जेब्रोनिक वाले के अंदर आपको इधर जेब्रोनिक की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, तो माइक्रोफोन दिया गया, इसके अंदर बटन भी है, इनविजिबल बटन देखने को मिलेगा। भाई JBL वाले के अंदर भी आपको कुछ इस टाइप का स्मॉल साइज माइक्रोफोन दिया गया, इसके ऊपर कुछ भी ब्रांडिंग नहीं, और इसे आप प्रेस करोगे इस टाइप का साउंड आएगा। दोनों के माइक्रोफोन आपको राइट वाले लाइन में देखने को मिलेगा, जो कि ज्यादा माउथ के क्लोज रहेगा जब भी आप कॉल वगैरह पे बात करोगे। ईयरफोन की डिजाइन की बात करें तो JBL वाले का कुछ इस टाइप का ईयरफोन का डिजाइन बना हुआ है, JBL की ब्रांडिंग कंप्लीट ब्लैक कलर में है, ईयर में एकदम कंफर्टेबल तरीके से फिट हो जाएगा, प्लास्टिक मटेरियल से बना हुआ, लाइट वेट है, स्मॉल साइज है। वही जेब्रोनिक वाले का कुछ इस टाइप का ईयरफोन का कंप्लीट डिजाइन देखने को मिल जाता है, थोड़ा सा यूनिक डिजाइन बना हुआ, साइज में भी थोड़ा बड़ा देखने को मिल जाता है, और राइट और लेफ्ट का इंडिकेटर भी दिया गया है। साउंड क्वालिटी की बात करें तो JBL वाले के अंदर आपको मेंटेन साउंड देखने को मिल जाता है, ट्रिपल हो गया, बेस हो गया, काफी मेंटेन है, फुल वॉल्यूम में भी सुनोगे ऐसा नहीं कि बेस ज्यादा आ रहा है फिर ट्रिपल ज्यादा रहा है। वैसे जेब्रोनिक वाले के अंदर आपको 60-70% वॉल्यूम तक ठीक लगेगा, बाद में जब आप फुल वॉल्यूम कर दोगे तो बेस का जो कि ज्यादा हो जाएगा, तो थोड़ा सा आपको बेस ज्यादा लग सकता है, एज कम्पेयर टू जो प्राइस रेंज में ये भी साउंड प्रोवाइड कर रहा है वो भी काफी प्रीमियम और अच्छा है। अब माइक्रोफोन कंपैरिजन की बात करें तो अब आप जो रिकॉर्डिंग सुनने वाले हो JBL के माइक्रोफोन के थ्रू रिकॉर्ड किया हुआ है, तो अब मैं रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर देता हूं, तो आप देख सकते हो जैसे कि मेरे ऑडियो सिटी के अंदर ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये डायरेक्ट ऑडियो अभी आप जो सुन रहे हो ये इस माइक के थ्रू जो कि साउंड आ रहा है, कुछ इस टाइप के इसकी ऑडियो की क्वालिटी, इतना बैकग्राउंड का नॉइस रिमूव होएगा और बैकग्राउंड का नॉइस इतना कैप्चर भी नहीं कर रहा, मैं ट्राई करता हूँ फोकस करने का, इधर आप देख सकते हो बिल्कुल बैकग्राउंड का नॉइस कैप्चर नहीं कर रहा है, ओनली जो मेन ऑडियो है वो जो कि कैप्चर कर रहा है, तो नॉइस कैंसिलेशन काफी अच्छा देखने को मिल जाता है, और मेरा फैन भी घर में चालू है, आपका बैकग्राउंड का नॉइस रिमूव हो जाएगा, जब भी आप कॉल पे बात करोगे इतना क्लियर वॉइस सामने वाले बंदे के पास में जाएगा, तो अब मैं इससे कर देता हूँ स्टॉप। तो अब आपको अंदाजा हो गया रहेगा कुछ इस टाइप का साउंड क्वालिटी आपको देखने को मिलेगा JBL के माइक्रोफोन के, तो इतना बैकग्राउंड का नॉइस रिमूव होगा जब भी आप कॉल वगैरह पे बात करोगे। अब आप जो रिकॉर्डिंग सुनने वाले हो जेब्रोनिक के माइक्रोफोन के थ्रू रिकॉर्ड किया, तो अब आप जो साउंड सुन रहे हो वो डायरेक्ट इस माइक्रोफोन के माइक के थ्रू आ रही है, तो इधर मैंने रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दी जैसे कि आप देख सकते हो बैक साइड में, और ये रहा हमारा माइक्रोफोन, जो भी मैं बोल रहा हूँ डायरेक्ट वो रिकॉर्ड हो रही है, तो इतना बैकग्राउंड का नॉइस रिमूव होगा, इतना क्लियर वॉइस सामने वाले बंदे के पास जाएगा जब भी आप कॉल पे बात करोगे, तो कुछ इस टाइप की इसकी माइक क्वालिटी, इतना बैकग्राउंड का नॉइस रिमूव होगा, इतना क्लियर वॉइस सामने वाले बंदे के पास जाएगा जब भी कॉल पे बात करोगे, तो आई होप आपका अंदाजा हो गया रहेगा इसका माइक क्वालिटी का, तो इसे मैं कर देता हूँ स्टॉप। तो अब आपका अंदाजा हो गया है कुछ इस टाइप का इसका माइक्रोफोन देखने को मिल जाता है, इतना बैकग्राउंड का नॉइस रिमूव होगा जब भी आप कॉल पे बात करोगे। अब लास्ट क्वेश्चन आता है दोनों में से कौन सा वाला बाय करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से आपका बजट ज्यादा तो आप JBL वाली की ओर जाइए, जिसके अंदर आपको माइक्रोफोन की क्वालिटी और भी प्रीमियम और अच्छी देखने को मिल जाती है, ऑफिस का मीटिंग अटेंड कर रहे हो, बाइक राइड कर रहे हो, या फिर कहीं वॉक कर रहे हो, या फिर बाहर का जो कि बहुत ज्यादा साउंड आता है, तो नॉइस कैंसिलेशन थोड़ी अच्छी देखने को मिल जाती है एज कम्पेयर टू जेब्रोनिक वाले से, वो साउंड भी काफी मेंटेन है, लाइट वेट है, स्मॉल साइज है, ईयर में कंफर्टेबल तरीके से बैठ जाते हैं, तो ये बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा JBL में। वही आपका बजट कम है और इसका भी माइक्रोफोन की क्वालिटी आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाती है जो प्राइस रेंज में ये प्रोवाइड कर रहा है, तो वो केस पे आप जेब्रोनिक वाले की ओर जा सकते हो। तो जेब्रोनिक वाला मैंने बाय किया था 129 रुपीज़ का अमेजोन पे, इसके डिफरेंट डिफरेंट सेलर सी में कोई 300-400 का सेल करा, जो बेस्ट सेलर रहेगा उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जब मैंने परचेस किया ऑफर भी चालू था। मैं JBL वाला बाय किया था 359 रुपीज़ का अमेजोन पे, इसके भी डिफरेंट डिफरेंट सेलर सी में कोई 800-900 का सेल करा, जो बेस्ट सेलर रहेगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा, वीडियो अच्छा लगा जाता तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और भी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।